हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास है प्रेस्टीज का वैक्यूम क्लीनर, जो है वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। इसका मॉडल नंबर आ जाता है टाइफोन 05, और इसमें एक और मॉडल आता है वेट एंड ड्राई में टाइफोन 07। तो इसको करने वाले हैं हम अनबॉक्सिंग और देंगे बेस्ट रिव्यू, क्या क्या परफॉर्मेंस है, कैसी कैसी क्वालिटी है इसमें, और कितने है उसमें पार्ट्स आता है, जो कौन सा पार्ट्स क्या यूज होता है वो पूरा हम डिटेल में बताएंगे, और कैसी क्वालिटी है वो भी आपको बताएंगे। तो मेरा नाम है श्रवण और आप देख रहे हैं टेक्नोकेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे वीडियो को आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं बॉक्स के ऊपर क्या क्या डिटेल दे रखी है। तो प्रेस्टीज है क्लीन होम है, ये वैक्यूम क्लीनर क्लीनर फॉर ऑल किट्स ऑफ क्लीनिंग। इसका मॉडल टाइफोन 05 एंड पावरफुल सक्शन एंड ब्लोअर फंक्शन, हाई डस्ट कैश कैपेसिटी, ईजी मोबिलिटी, ऑटो कट फ्लोट, वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर। और 1200 वाट्स का पावर मोटर आ जाता है विथ हेपा फिल्टर, ट्रांस फाइन डस्ट, फाइन डस्ट क्लियर करने के लिए इधर वेट एंड ड्राई क्लीनिंग, और साइड में ऐसे कि वेट एंड ड्राई क्या 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 फीचर्स है, पावरफुल सक्शन वगैरह डिटेल दे रखी है। उसमें व्हील आ जाता है नीचे जो मूवेबल हो जाता है, और इस साइड में पावर स्विच इधर दिया हुआ है, पावर कोड आ जाता है, डस्टबिन नीचे वाला डस्टबिन है, और व्हील और कैरिंग हैंडल आ जाता है, लॉकिंग लेवर ये पूरा लिखा हुआ है कुछ, ये क्या क्या फ्लोर ब्रश आता है वो ब्रश आता है, कैरविंग टूल, कॉर्नर ब्रश, हेपा फिल्टर, ट्यूब्स एंड होस पाइप। तो ऊपर की तरफ देख लेते हैं, जिसका वाटर्स ब्लोअर एंड हेपा फिल्टर, ये सरफेस में क्लीन हो जाता है मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स एंड ये वुड वगैरह सभी में। इसमें क्लीन होम डेट एंड ड्राई क्लीन टाइफोन 05 है ये, और इसमें एक और मॉडल आता है टाइफोन 07, जो कि इससे थोड़ा बड़ा साइज है। इसका जो MRP है 5995, आपको मार्केट में 4000 के आसपास मिल जाएंगे। ईयर एंड मैन्युफैक्चरर है, वोल्टेज है, और कस्टमर केयर नंबर है। आपको फ्री होम सर्विस मिल जाती है घर पे विद इन वारंटी में। तो अब इसका करते हैं अनबॉक्सिंग। तो पहले देख लेते हैं उसमें क्या क्या प्रोडक्ट मिले। तो इसमें एक मिल जाता है वारंटी कार्ड, और ये कैसे कैसे वर्क करता है उसका फुल क्वांटिटी डिटेल्स, हाउ टू यूज़ यूजर मैनुअल पूरा दिया हुआ है, और साथ ही ये एक वारंटी कार्ड की तरफ से भी है, इधर वारंटी कार्ड कॉपी है। और इसमें जो ये मेन मिला है एक बॉडी एंड ये अटैचमेंट है इसका नीचे फ्लोर पे वाइप करने का, और ये मिल जाती है एक लंबी पाइप जो कि ऑलमोस्ट 1 मीटर से भी बड़ी है, एंड ये उसके पाइप के को अटैचमेंट मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जो कि ऐसे जॉइंट हो जाते हैं इजली से, ऐसे जॉइंट हो जाते हैं इतने लंबे, ऑलमोस्ट ये भी 1 मीटर है ये इस तरह से, और ये वापस इसमें पाइप में हो जाते हैं, एंड या आप इधर लगा सकते हैं इस तरह से, काफ़ी अच्छा है। एंड जो ये इतना बड़ा अटैचमेंट है, इसमें जो यहाँ पे ये क्लिप दिया हुआ है, मैं सोचा क्यों क्लिप दिया हुआ है, लेकिन नहीं, इसमें ये जो अटैचमेंट आता है एक छोटा सा ब्रश जो इधर अटैच करके रख सकते हैं, ताकि कहीं पे स्पेस रखने का ज़रूरत नहीं है, इधर ही फिट कर दिया, कभी भी काम है तो रिमूव करके आप फिटिंग कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा दिया है फीचर्स, और ये इस तरह से खुलता है इधर साइड में, काफ़ी वेट है, हैवी है ये जो मेन है मोटर है,
ये खाली टैंक है, आप इजी से रिमूव कर सकते हैं इसको। ये बकेट टाइप बकेट है, एकदम मेन इजी क्लीनिंग है, बेस्ट क्वालिटी का है। एंड अगर आप वाटर डाल के यूज़ करें तो ये एफ फिल्टर निकालना होता है, इधर से रिमूव हो जाता है इस तरह से, तो फिर आप विम वाटर यूज़ कर सकते हैं इसमें। अगर आप ओनली कूड़ा कचरा वो लेना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे फिटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसके टैंक की कैपेसिटी 10 लीटर है और केबल जो है 4.5 मीटर तक केबल आती है इसकी। देख लीजिए ये वैक्यूम क्लीनर है और मैंने ऑलमोस्ट इस केबल को वहाँ तक कनेक्ट कर लिया है। 2 पिन वायर है, नॉर्मल कौन से भी प्लग पॉइंट में आपको लग जाएगी। और ये रखा है नीचे रॉड, अभी इसको वर्क रन करके बताएंगे आपको कैसा वर्क करता है, कितना सक्शन पावरफुल है वो सब भी बताएंगे। एंड ये जो ऑल मिल जाता है यहाँ पे सक्शन खींचता है, बहुत ही पावरफुल है ये। इधर से सक्शन खींचता है और इधर से ये ब्लोअर करता है। एंड इसमें ये छोटा मोटा बहुत कुछ अटैचमेंट दिया है और ये पॉकेट में क्या था मैंने देखा ही नहीं, ओह सॉरी, ये इसमें मिल जाता है व्हील्स जो जिसे आप कलेक्ट कर सकते हैं, मूवेबल हो जाती है, 4 व्हील्स आ जाती है। एंड अब इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे, अभी देख लेते हैं हमारे पर्दे कैसे को खींचता है। तो ये है वैक्यूम क्लीनर और अब इसको इधर पर्दे का टेस्ट करेंगे। और ये जो स्विच है इसके ऊपर पानी गिरेगा तो भी कुछ नहीं होगा, एकदम वाटरप्रूफ दिया हुआ है, सिलिकॉन जैसा ऊपर कवरिंग दिया है। एंड ये काफ़ी ग्रिफ हैंडल दिया हुआ है, इसका जो कलर का कॉम्बिनेशन है ब्लैक एंड रेड में दिया वो काफ़ी अच्छा है और इधर प्रेस्टीज की ब्रांडिंग आ जाती है एंड बहुत ही अच्छा है। काफ़ी अच्छा सक्शन है इसका। एंड आ जाता है एयर बार आता है इधर से, कुछ भी आप, मैं अभी रख के बताता हूँ। एक चॉकलेट का कवर ही रख दो शायद इसमें, देखो मैंने इधर रख दिया हूँ। एंड अभी इसको ऑन करेंगे, ये जो है इधर से बाहर आता है। अगर आप वाटर यूज़ करना चाहते थे मैंने आपको बता दिया था कि जो कि हेफा फिल्टर है वो रिमूव करके आप वाटर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो अटैचमेंट मिला है पूरा एक बार और मैं दिखा देता हूँ उसमें। एंड इसको कैसे रिमूव करते हैं, ये देखिए किस तरह से रिमूव किया जाता है। ये इधर से बटन है, इसको इधर से प्रेस करते हैं एंड ये देन रिमूव हो जाता है, काफ़ी इजी रिमूव हो जाता है। ये 2 ब्लेड्स टाइप आ जाते हैं प्लास्टिक के जो कि एकदम हैवी क्वालिटी के, एंड
ये वेट एंड ड्राई के लिए यूज होता है, एक वेट के लिए एक ड्राई के लिए। काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वाटर वाला डालना है तो वाटर वाला भी डाल सकते हैं, या फिर ड्राई वाला डालना है तो ड्राई वाला भी डाल सकते हैं। बट हम ये ही डाल के रखते हैं अभी। काफ़ी अच्छा, एक साइड में वाइपिंग जैसा आ जाता है, एक साइड में ब्रश जैसा आ जाता है। इसमें कितना तो कैसा लगा आपको ये वैक्यूम क्लीनर जो कि है टेफोन 05 और उसका जल्द ही टेफोन 07 का अनबॉक्सिंग आने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो रोज़ आती रहे और आपको ऐसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।